वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्टडी वेब पे स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कल हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन वीडियो अपलोड किए हुए थे। यदि आप वो पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा वीडियो चल रहा है और पार्ट टू में आज यह वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरह से सुबह में आपको एक ये थ्योरी लेक्चर मिल जाएगा और इवनिंग में आपको एक क्वेश्चन सीरीज आज से स्टार्ट होगा, जिसमें हम हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो भी वन डे एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि हम यदि अभी की बात करें तो आपको सामने अभी पॉलिटी स्टार्ट होगा और पॉलिटी का क्वेश्चन सीरीज मिलेगा। इसमें हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की एक्सपेक्टेशन है, जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो शाम को आपको एक क्वेश्चन सीरीज की वीडियो मिल जाएगी और सुबह में जो हमारी ये सीरीज चल रहा है थ्योरी का, वो आपको वीडियो इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। बस आप क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कर लें, वहाँ पे पीडीएफ और जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप चाहे फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हम कल पढ़े थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें दो सभाएं के गठन हुई थी, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह उनका मीटिंग होता था तो उनको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह उनका मीटिंग होता था तो उनको चेयर कौन करते थे, जीबी मामलन। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। तो जब हमारा माउंटबेटन प्लान आया और इंडिया डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो टोटल शुरुआत में 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब डिवीजन के बाद ओनली 299 मेंबर्स रिमेनिंग बच गए। उस 299 मेंबर्स में जो ब्रिटिश प्रोविंस था उसमें शुरुआत में 296 मेंबर्स था, लेकिन जब मुस्लिम लीग इसको छोड़ दिया तो टोटल 229 मेंबर्स बच गए। और जो प्रिंसली स्टेट था जिनमें राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था, उसको टोटल 93 के जगह टोटल 76 बच गए, क्योंकि जहां पे भी मुस्लिम था, जहां पे मुस्लिम लीग का जो भी मेंबर्स था वो इसमें भाग नहीं लिए थे, तो टोटल 389 के जगह ओनली 299 मेंबर्स बच गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। हम देखते हैं इसके बाद कुछ इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया को कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप का हिस्सा मिल गया मई 1949 को। देखिए ये रेलवे में भी एग्जाम में पूछा था कि भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब मिली थी, तो 1949 ईस्वी में मिला था, ये पॉइंट याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ क्या होता था कि मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री थे तो उस समय में इन सारे कंट्री पे कभी ना कभी ब्रिटिश का अधिकार रहा होगा, या ब्रिटिश इन पे अपना आधिपत्य जमा कर रखा था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो इन सारे कंट्री को एक मेंबरशिप दी गई थी कॉमनवेल्थ का। तो जो भी कंट्री था उनको ये मतलब ये स्वायत्तता था कि वो चाहे तो उस कॉमनवेल्थ का मेंबर बन सकता है और चाहे तो नहीं बन सकता है। तो इंडिया को इसका 1949 में इनका मेंबरशिप बन गया। और बहुत सारे अभी कॉमनवेल्थ गेम भी होता है तो कॉमनवेल्थ गेम में वही सारे कंट्री होते हैं जो जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिश का अपना अधिकार था या ब्रिटिश उस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया और नेशनल सॉन्ग अर्थात राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ये सब पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया। उससे पहले यदि हम देखें तो टेम्पररी किनको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था एज अ फ्रेंच प्रैक्टिस, जिस तरह से फ्रेंच में होता था कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स होते थे उनको चुन लिया जाता था, तो उन्हीं के अनुसार डॉक्टर शुरुआत में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया। जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो सेशन हुई थी, टोटल 11 सेशन हुआ था, हम ये लास्ट में डाल देंगे आपको पीडीएफ के रूप में या जेपीजी फॉर्मेट के रूप में कि टोटल पहला सेशन कब हुआ, दूसरा सेशन कब हुआ था, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो टोटल 11 सेशन हुआ था, ये याद रखिएगा कि टोटल कितना सेशन हुआ था, 11 सेशन हुआ था। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा संविधान था उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। देखिए बहुत सारे आलोचककर्ता भी हैं जो हमारे संविधान का जो आलोचक करते हैं वो कहते हैं कि हमारे संविधान को बनने में बहुत वक्त लग गया और यह टाइम टेकिंग था। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का संविधान बनने में ओनली 4 मंथ लगा था,
लेकिन हमारा संविधान को बनने में बहुत टाइम लगा था। देखिए हमारे जो संविधान मेकर्स थे वो अपने संविधान को बनाने से पहले उसने 60 कंट्री का जो संविधान बन चुका था उनका स्टडी किया, और इनमें से जो भी अच्छा पॉइंट था जो कि हमारे देश के जनता के लिए हित की बात थी, तो उसमें से 60 कंट्री में से जो 7 कंट्रियों का जो संविधान सभा था तो उसमें से जो भी अच्छे पॉइंट थे वो निकाल के हमारे संविधान में डाल दिया गया। तो इस सब करने में हमारे संविधान मेकर्स को बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारा संविधान मेकिंग में बहुत टाइम लगा, क्योंकि हम अभी देखें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारा ही इंडिया है, और संविधान भी देखें तो हमारा बहुत बड़ा संविधान है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो इसमें हर एक स्टेट का अपना अपना संविधान था, तो हमारा संविधान का लेंदी होने का यह भी रीजन था कि सारा स्टेट का सारा कंट्री का एक ही मतलब जितने भी स्टेट थे हमारे कंट्री में सबका एक ही संविधान था, इसलिए हमारा संविधान लेंदी होने का एक कारण है। तो टोटल बनने में कितना दिन लगा था, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इनको याद रखिएगा। जो हमारे संविधान का जो टोटल ड्राफ्ट था उसको कंप्लीट होने में 114 दिन लगा। टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख लगा, मतलब जो संविधान सभा में जो टोटल खर्च लगा था, ये जो संविधान असेंबली की जो बैठक हुई थी इसमें जितने भी खर्च लगा था 64 लाख रुपया लगा था। ऑन जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे उसका कुछ असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उनमें कुछ मेजर कमेटी थी और कुछ माइनर कमेटी थी। तो जो भी मेजर कमेटी है उनका नाम याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइनर कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये माइनर कमेटी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जब भी पूछा जाता है तो मेजर कमेटी के बारे में पूछा जाता है। तो हम मेजर कमेटी देखते हैं। तो सबसे पहला कमेटी था यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, होते जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे होते जवाहरलाल नेहरू। जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे उनके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दोनों नाम में यूनियन यूनियन है, तो यूनियन है तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे इंपोर्टेंट कमेटी की बात करें हम तो वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो सेटअप हुआ था, जो इनका स्थापना हुआ था, 29 अगस्त 1947, ये डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को इनका स्थापना हुआ था। जो टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स का हम नाम देखते हैं क्योंकि इनके नाम के बारे में पूछ लिया जाता है। ये इसमें ये लास्ट के जो दो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस शुरुआत से देख लेते हैं। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे वो थे चेयरमैन। एन गोपाला स्वामी अयंगर थे इसके एक मेंबर थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के एम मुंशी साहब जी थे, और सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये सर सैयद मतलब सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, ये भी एक मेंबर थे। एन माधव राव और एक टीटी कृष्णामाचार्य, ये दोनों नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि एन माधव राव को रिप्लेस किया गया था बी एल मित्तर के जगह पे, क्योंकि इनका हेयर डिटोरिएट हो गया था इनके हेल्थ प्रॉब्लम के कारण। बी एल मित्तर के जगह पे एन माधव राव का अपॉइंटमेंट किया गया था। और डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो इनके जगह पे टीटी कृष्णामाचार्य को अपॉइंटमेंट किया गया था। ये दोनों नाम याद रखिएगा। जो फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा वो फरवरी 1948 को की गई थी। उसके बाद फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद 8 मंथ का टाइम दिया गया था हमारे जितने भी पीपल थे, इंडिया के जितने भी जनता थे, उनको डिस्कस करने के लिए और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, उसके लिए 8 महीने का टाइम दिया गया था। और सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश की गई थी अक्टूबर 1948 को। जो दूसरा ड्राफ्ट था उसको अक्टूबर 1948 में पब्लिश की गई थी। ड्राफ्टिंग कमिटी को टोटल 141 डेज से भी कम टाइम लगा था टोटल ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो 141 दिन से भी कम लगा था टोटल ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए। याद देखिएगा टोटल 11 सेशन हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का बनाने के लिए। उसके बाद फिफ्थ कमेटी का देखते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट का कमेटी था, फंडामेंटल राइट और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इनके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अंदर भी कुछ सब कमेटी थी, ये सब कमेटी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखना है तो देख लीजिए। फंडामेंटल राइट सब कमेटी था जिनके चेयरमैन थे जेपी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी, उनके चेयरमैन थे एससी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कमेटी थे, उनके चेयरमैन थे गोपीनाथ बरदोली। उसके बाद एक कमेटी था एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, इनके भी चेयरमैन थे एवी ठक्कर, इनके चेयरमैन थे एवी ठक्कर साहब। उसके बाद एक था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्रैवल एरिया सब कमेटी। ये तो हो गया पांचवा कमेटी। छठा कमेटी जो हमारा मतलब टोटल 8 मेजर कमेटी था उसमें से छठा कमेटी था वो था रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
स्टेट कमेटी इनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और स्टीयरिंग कमेटी इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो आठ मेजर कमेटी है ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो यूनियन पावर कमेटी थे इनके चेयरमैन थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट इनकी कमेटी थे सरदार पटेल, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट की कमेटी कौन थे, चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद रूल प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप दो तीन बार देखें आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान सभा जब प्रभाव में है तो उनसे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो नवंबर 4, 1948 को पब्लिश किया गया था। जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 4 नवंबर 1948 को पब्लिश कर दिया गया, और उसके बाद जो पहली रीडिंग हुई थी, फर्स्ट रीडिंग हुई थी, वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हुई थी, पांच दिन के लिए हुआ था। और सबसे लेंदी यदि हम बात करें रीडिंग, तो सेकेंड रीडिंग हुई थी जो कि नवंबर 15, 1948 से लेकर के अक्टूबर 17, 49 में रीडिंग हुई थी, सेकेंड रीडिंग हुई थी, मतलब दूसरा वाचन हुआ था, जिसमें अप्रॉक्स एक साल का टाइम लगा था, और इसमें क्लॉज बाय क्लॉज इसका रीडिंग हुआ था। यदि आपसे पूछे कि बताओ कि सबसे लंबा वाचन कौन सा था, अर्थात सबसे लंबा रीडिंग कौन सा था, तो सेकेंड रीडिंग था, जो कि 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था क्लॉज बाय क्लॉज, और इसमें ही सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किया गया था, लगभग 7000 के आसपास इसमें अमेंडमेंट किया गया था। थर्ड रीडिंग हुई थी वो हुई थी 14 नवंबर 1949 में थर्ड रीडिंग हुई थी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया, मतलब डिक्लेयर्ड एज अ पास 26 नवंबर 1949। देखिए ये आपको याद करना है कि जितने भी काम हुए सब नवंबर में हुए, प्रथम वाचन हुआ था नवंबर में स्टार्ट हुआ, दूसरा वाचन भी नवंबर में हुआ, तीसरा वाचन भी नवंबर में हुआ, और संविधान सभा घोषित भी नवंबर में हुआ था। तो इस तरह से यदि याद नहीं भी रहे तो आप मतलब ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद द डेट आल्सो मतलब 26 ऑफ नवंबर 1949 जो है सो हमारे प्रीएम्बल में भी देश को अनाउंस मेंशन है कि हमारे देश का संविधान सभा कब बना था, 26 नवंबर 1949 को। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, और उस समय में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ उस समय में हमारे संविधान में टोटल एक प्रीएम्बल था, उसके बाद 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल था। ये आप याद रखिएगा कि कितने शेड्यूल थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितने प्रीएम्बल थे, ये एग्जाम में पूछता है कि जब संविधान बना था तब क्या था अब क्या था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना बोला जाता है, इंडियन चीफ आर्किटेक्ट जो थे सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और मॉडर्न मनु जो है सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही बोला जाता है, मतलब भारत के संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को बोला जाता है। संविधान के वास्तुकार कुछ देखा एग्जाम में कि बताओ कि संविधान के वास्तुकार कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और आधुनिक मनु के नाम से भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को ही माना जाता है। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान के जो प्रवर्तन थे इसके बारे में हम देखते हैं कैसे क्या हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को जो था तो हमारा संविधान बिल्कुल पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, इसमें कुछ ही पॉइंट मतलब कुछ चीज को अडॉप्ट कर लिया गया था, उसमें से था एक तो सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद इलेक्शन को अडॉप्ट किया गया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स मतलब नागरिकता को किया गया, चुनाव को किया गया था अडॉप्ट, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद थे जो कि इम्पोर्टेंट थे उस समय में जो इसको अडॉप्ट किया गया था, ये कुछ आर्टिकल्स थे जो अडॉप्ट कर लिया गया था। इसमें से आपको तीन चार पॉइंट याद है कि ये सब पूछ सकता है कि बताओ शुरुआत में 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में क्या क्या लागू किया गया था, तो सिटीजनशिप याद रखेगा, इलेक्शन याद रखेगा, और ये आर्टिकल सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद द मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसलिए अडॉप्ट किया गया और इस मतलब 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे, 26 जनवरी और 1950 मतलब 26 जनवरी को हमने घोषित किया कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे घोषित किया जाएगा। और 26 जनवरी मतलब जनवरी को हम इसलिए चुने थे कि लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929
मतलब एक लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसके चेयरमैन मतलब जिसको चेयरमैन किए उसके उस समय उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर करता है कि 26 जनवरी 1930 को पूरी तरह से पूर्ण स्वराज मतलब स्वतंत्र मतलब पूरी तरह से पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को। तो पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, तो इसी जनवरी मतलब 26 जनवरी को यादगार करने के लिए, 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमारे देश में 26 जनवरी को हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया और उसी दिन हम रिपब्लिक एज ए रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं प्रत्येक साल। इन उसके बाद जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 इसको एबॉलिश कर दिया गया और जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था 1935 इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और हमारे देश में संविधान सभा हमारा अपना संविधान को खुद का संविधान था वो लागू कर दिया गया। यदि हम बात करें तो हमारे संविधान में कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ क्रिटिसिज्म भी की जाती है, जो भी संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उसके द्वारा हमारे संविधान का क्रिटिसिज्म मतलब आलोचन भी किया जाता है। सबसे पहले ये बोला जाता है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब हमारे संविधान सभा के बारे में बोला जाता है कि जो हमारा संविधान सभा था वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, क्योंकि यदि हम देखें तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जिनका वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव नहीं हुआ था और वो बस अपॉइंटमेंट कर दिए गए थे। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि जो हमारा संविधान सभा था वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के अनुसार नहीं हुआ था, मतलब हर एक व्यक्ति प्रतिनिधि निकाय नहीं था उसको अपॉइंटमेंट किया गया था। एक संप्रभु शरीर नहीं था, मतलब जो हमारा संविधान सभा था वो सोवरेन बॉडी नहीं था। मतलब बहुत सारे आलोचनकर्ता यह भी कहते हैं कि जितने भी बैठक होते थे तो उन बैठक करने से पहले हमें ब्रिटिशर से इजाजत लेनी पड़ती थी और जितने भी अपॉइंटमेंट थे या कुछ भी थे तो उसमें ब्रिटिश का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था। और जो भी हमारा संविधान सभा बना, जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान आया या जो भी एक्ट आया था, जो संविधान असेंबली का गठन हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश अधिनियम कहीं ना कहीं लागू था। तो इस हिसाब से कहता है कि नोट सॉवरेन बॉडी, हमारा संविधान मतलब पूरी तरह से संप्रूव नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, हम बोले थे अभी बात किए थे कि जिस तरह से अमेरिका का संविधान बनने में 4 महीना लगा था लेकिन हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। तो इस हिसाब से बहुत सारे आलोचनकर्ता कहते हैं कि हमारा संविधान सभा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमारे संविधान बनने में आपको पता है कि 60 कंट्री पढ़ा गया और जिस तरह से हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उस सभी को पता था कि गुलामी क्या होता है नहीं होता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति की आज़ादी दी गई। आप फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को कितना अपना अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कितना ज़्यादा आज़ादी मिला हुआ, कितना ज़्यादा अधिकार मिला हुआ, तो हर एक व्यक्ति का अधिकार दिया गया। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा, टाइम कंज्यूमिंग था। डोमिनेटिंग बाय कांग्रेस, बहुत सारे आलोचक कर्ता कहते हैं कि जो संविधान सभा था वो डोमिनेटिंग ऑफ कांग्रेस था, क्योंकि इसमें अधिकतर मेंबर्स जो थे वो कांग्रेस से ही रिलेटेड थे। संविधान सभा मतलब एक संविधान मतलब विशेषज्ञ है ग्रेनविल ऑस्टिन, जो कि ब्रिटेन का एक संविधान विशेषज्ञ था। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार ये कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय था। संविधान ही मतलब सभा जो हमारा असेंबली था, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये कहना था ग्रेनविल ऑस्टिन, जो एक विशेषज्ञ था ब्रिटिशर्स का, वो कहते हैं कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। तो उसमें इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस था किनका, कांग्रेस का। लोअर पॉलिटिशियंस डोमिनेशन, वकीलों और राजनीतिक का वर्चस्व, जो उस समय में यदि हम देखें तो जो संविधान सभा बना था उसमें वर्चस्व था वकीलों का, मतलब हर एक समुदाय का व्यक्ति नहीं था। जितने वकील थे, जितने भी मेंबर्स थे उसमें से यदि हम देखें तो मैक्सिमम जो थे सो उसमें से वकील थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारा संविधान असेंबली था उसमें लॉयर मतलब लॉयर और पॉलिटिशियन का मतलब वकील और राजनीतिकों का वर्चस्व था। डोमिनेटेड बाय हिंदू, उसके बाद कहा जाता है कि हमारा संविधान सभा में असेंबली में जितने भी मेंबर थे उसमें अधिकतर हिंदू थे, मतलब हर एक कम्युनिटी से नहीं उठाया गया था और अधिकतर जो थे उसमें से सो हिंदू के मतलब हिंदू ही था। विंस्टन चर्चिल हो चाहे लॉर्ड वेस्टकॉन्ट हो, इसने जो ये सब विशेषज्ञ थे सब ने इसके बारे में बहुत बोला कि जो हमारा संविधान सभा था वो सिर्फ हिंदू निकाय को रिप्रेजेंटेट करता था। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था, वो बोला था मतलब कि जो हमारा संविधान सभा है वो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रह चुका है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे संविधान सभा के बारे में, उसको देखते हैं कि एलिफेंट अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब हाथी को संविधान सभा का प्रतीक के रूप में चुना गया। सर बीएन डॉ संवैधानिक सलाहकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर लीगल एडवाइजर के रूप में चुना गया सर बीएन डॉ को। एच वी
एच वी अयंगर जो थे उसको चीफ ड्राफ्ट ड्राफ्ट मतलब एच वी अयंगर जो थे सो सेक्रेटरी चुना गया, मतलब विधानसभा के सचिव थे एच वी अयंगर। एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का ड्राफ्टमैन के रूप में चुना गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे सो भारतीय संविधान के इटैलिक शैली में लिखा गया, मतलब जो हमारा संविधान था वो सबसे पहले इटैलिक लैंग्वेज में इटैलिक में लिखा गया था। और इनका जो कॉलीग्राफर थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो याद रखिएगा जो हमारा ओरिजिनल संविधान था वो इटैलिक में था, बाद में इसका हिंदी संस्करण किया गया। मूल संस्करण मतलब जो इटैलिक संस्करण था उसका जो मतलब मूल संस्करण को शांति निकेतन में नंद लाल बोस और बेहर राम मनोहर मतलब नंद लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। मूल संस्करण को शांति निकेतन के द्वारा उसको सुशोभित और मतलब सजाया गया था। और जो हमारा मेन मतलब संविधान सभा का जो हिंदी वर्जन था वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा उसको लिखा गया और डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंद लाल बोस और इसको सजाया गया था नंद लाल बोस के द्वारा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ, दूसरा सत्र कब हुआ, तीसरा कब हुआ, यदि आप पढ़ना चाहें चौथा पांचवा छठा इस तरह से इसमें 11वां सत्र है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप संविधान इसके टोटल 11 सत्र को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए मैं आपको बताऊं कि शाम में एक क्वेश्चन सीरीज आएगा, उसको देखना ना भूलें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये लेक्चर सीरीज हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।